वेट स्टार्ट देख रहा है ना वैलेंटाइन वैलेंटाइन वो तो आजाओ दोस्तों आजाओ लाइक पे डीएम चेक करो डीएम मैं सभी को बताता हूं वेट करना चैट तो ठीक है लेकिन चैट तो देखी है मैं हम्म 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 पूरा सब वेट आज आपको काफी कुछ एक्सप्लेन करता हूँ यूट्यूब पे आ जाओ सारे के सारे यूट्यूब पे अपन चल रहे हैं लाइव मैं जो आज का चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ आपको ठीक है तो आ जाओ सभी एक बार यूट्यूब पे हम्म <laughs> हम्म 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 जोस टॉक्स यस फिफ्टी के सब्सक्राइबर अपने यूट्यूब पर कंप्लीट हो चुके हैं और इंस्टाग्राम पर भी हंड्रेड के करोस करवाइए तो आपन वेट करने कुछ आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है जो बुलाने का गा। वॉइस इसलो वो सब बुलाते हैं मैं जरा टेस्ट करता हूँ अरे हाँ माइक तो पहना ही नहीं है सॉरी <laughs> माइक मैं तो मैंने रख दिया भाई तो मैं कुछ ट्राई करा था आपको आवाज कम है आवाज आ रही है आएगा आवाज आएगा हेलो 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 तो वेट कर रहा हूँ मैं आपको कुछ तो सभी के सभी आ जाओ यूट्यूब पे अपने यूट्यूब पाओ आपको आज का मेरा अंगूठी यार है दूसरे का अंगूठी है वो मेरे बंदे का है तो आ जाओ मैं जो जा बुलाता हूँ ठीक है ठीक है सभी आ जाओ यूट्यूब पे यूट्यूब पे आ जाओ और करते हैं कुछ लाइव आपके लिए हम्म बिग फैन सर बिग फैन आ जाओ आ जाओ ठीक है डन 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 ओके ओके बिग बास जी, अच्छे से सिखा दो भाई हाँ मैं एक बात सिखा रहा हूँ आ जाओ आ जाओ मैं भी सिखाऊँ मतलब उसका कुछ वो देता हूँ आपको कि आज के चार्ट पर कितने तगड़े तगड़े उस पर स्केल्प मिले थे और मैंने कितने मैंने ऑलमोस्ट तीन जगह पर उसमें स्केल्प उठाए थे बाकी मेरा फर्स्ट हाफ में ट्रेड हो चुका था तो बाकी सारे ऑन यूट्यूब ऑल्सो यूट्यूब पर आ जाओ सभी के सभी यूट्यूब पे अपन चल रहे हैं लाइव 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 हम्म आ जाओ आ जाओ तो आ जाइए जल्दी फिर मैं करता हूँ स्टार्ट ये फेस कैम फेस्क लाइव आओ लाइव आओ ओके चलो ठीक है आप अपन यूट्यूब पर आ रहे हैं यूट्यूब चैनल का नेम क्या स्टॉक है स्टॉक बन रहा है फिफ्टी के सब्सक्राइबर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं तो सभी के सभी आ जाओ अब हम यूट्यूब पर करते हैं काम ओ, आ, चलो मिलते हैं यूट्यूब पर जल्दी आ जाइए ओके तो आ गए सर आ गए ओके, ओके ओके आ जाइए आ जाइए आ जाइए भाई इमोशनल कंट्रोल नो स्ट्रेड ठीक है समझ सुन रहे मैं क्या करके कमेंट पकड़ता हूँ पहले हम आज का आपका वो देखते हैं कि चार्ट पे आ, किस तरीके से आपका यूज़ हुआ है कैसे कैसे ट्रेड्स करने हैं और किस किस तरीके से ट्रेड्स करोगे और फिफ्टी के कंप्लीट हो चुके हैं हमारे थैंक्स लॉट और वीडियो को आप लाइक कर दो लाइक लाइक मार दो फिर हम मैं स्टार्ट करता हूँ फटाफट से ठीक है जल्दी से जल्दी कर दीजिए फिर हम मैं आपको फिर ले चलता हूँ चार्ट के अंदर और या तो स्टार्ट करो स्टार्ट 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 हम्म आ जाओ सभी आ जाओ आ जाओ आ जाओ करते हैं आज तो एक बार पहली चीज़ है स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग में आ, बहुत सारी चीज़ें मैंने उस पर एक्सप्लेन की कि एज ए स्कैल्पर आपका क्या माइंडसेट रहेगा किस तरीके का आपका थॉट प्रोसेस रहना चाहिए ठीक है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ओके okay. और अब चार्ट इसमें फेस आएगा मेरे साइड में फेस नहीं लेना चलो ठीक है मेरा फेस अभी नहीं आएगा अभी खाली चा इस पे फेस इस पे टू पे ओके चलो आ जाओ आज के चार्ट में मैं आपको थोड़ा सा चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ठीक है और ये तो दिखाया ठीक है मेरे को कमेंट्स ही पढ़ेंगे और गिव अवे रेडी है आपका गिव अवे रेडी है सभी का फिफ्टी के पर थोड़ा सा आप चार्ट पे मैं एक बार ट्रेड्स है आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बिग बार पे कितने कैसे ट्रेड्स मिलते हैं और किस किस तरीके के ट्रेड्स मिलते हैं मार्केट ओपनिंग के बाद मार्केट क्लोजिंग के बाद और कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है ईजी टू अंडरस्टैंड आज तो मार्केट थोड़ा सही था काफ़ी अच्छा मार्केट था एक तरीके से कह सकते हो तो इसको आपका आ, ट्रेंडिंग मार्केट था ओके okay, तो आई होप आपको ये जो चार्ट है ये दिख रहा होगा अभी चार्ट दिखने लग गया होगा थोड़ा सा चार्ट पे ध्यान दो ठीक है आप ऑप्शन दो सारे के सारे ओके ऑप्शन बाए दो आपका जो एक काम होता है ना मार्केट में आपको क्या पकड़ना होता है ठीक है मार्केट में जो आपने पकड़ना होता है ये होता है मोमेंटम है ना और मैं एक बार पहले यहाँ पर लिखने का कहाँ से आएगा वो चेक करता हूँ ये कहीं पे आगत भी पेन वगैरह चल रहा है क्या मेरा लिखा हुआ कहीं दिख रहा है बताओ अगर कहीं लिखा हुआ अगर दिख रहा है तो मैं फिर लिखना स्टार्ट करता हूँ वेट करो जरा चेक करने दो मेरे को दिख रहा है ना ठीक है ठीक है ओके ओके अगर लिखा हुआ दिख रहा है ठीक है तब तो ठीक है आ, बहुत सही है यही होना चाहिए दिखना चाहिए क्योंकि तो इसी का ही है वैल्यू यही आपको समझना जरूरी है हम्म ओके आ जाओ आ जाओ सभी आ जाओ चार्ट पर हम करते बात नहीं नहीं यस यस हाँ दिख रहा है ना ठीक है ठीक है चलो आप समझते हैं चीज़ों को ठीक है मैं आपको थोड़ा सा एक एक एज ए स्केल पर क्या आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए कैसे आपको काम करना है वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और आई होप uh, uh, हाँ दिख रहा है ठीक है ओके दिख रहा है और ये इस वाली जो स्ट्रीमिंग में हम कर रहे हैं ओ बी से होता है शायद इसमें थोड़ा सा लैग आता है जो कल वाली स्ट्रीमिंग थी वो डायरेक्ट हम कर करे थे इसको बंद कर दे दो दरवाजा डायरेक्ट हम कर रहे थे किससे आपका यूट्यूब लाइव से तो उसमें लैग कम होता है और इसमें लैग ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा मेरे बोलने में और आपके सुनने में करीबन पाँच से दस सेकेंड का मतलब तो पाँच सेकेंड के आसपास का गैप होगा ही होगा तो अब आप ये सोचो कि अगर आप जब लाइव ट्रेड वेट कर रहे होते हो अगर हम आपको मैं यहाँ पर आपको बैठ के लाइव ट्रेड कराने लग जाऊँगा तो वहाँ पर आपका जो वो होगा ना क्या बोलते हैं आपको जो लाइव ट्रेडिंग में जो डिले हो जाएगा उतने, तो उतने में तो आ, स्कैल्पिंग खत्म हो जाती है समझो उतने में तो स्कैल्पिंग जो है आपकी ख़त्म हो जाती है ठीक है तो लाइव ट्रेड में स्कैल्पिंग चीज़ स्कैल्पिंग लाइव में पॉसिबल नहीं है इतना आप आ, क्या बोलते हैं समझ लो कि अगर अगर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार लाइव कराओ लाइव कराओ लाइव स्कैल्पिंग कराओ तो इतना आ, सुन लो कि लाइव में थोड़ा सा स्कैल्पिंग जो है वो पॉसिबल नहीं रहता है तो कृपया करके स्केल्पिंग को लाइव कराने के लिए ना बोलें क्योंकि स्केल्पिंग यार सेकंड्स का गेम है सेकंड्स में बंदा स्केल्प करके निकल जाए तो लाइव कैसे कर पाएगा बताओ कैसे आप मैं यहाँ से अगर कोई ट्रेड लेता हूँ तो कैसे कोई लाइव उसको मतलब पकड़ पाएगा कैसे लाइव उसको समझ पाएगा कैसे लाइव सीख पाएगा है ना तो उस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है और अगर यहाँ पर मेरे को ही खुद दिख रहा है कि मैं जो लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ वो ऑलमोस्ट जो डिले दे रहा है मुझे अराउंड फाइव टू सिक्स सेकंड मतलब छः पाँच छः सेकंड का डिले है पाँच छः सेकंड में तो इस ट्रेड मार के निकल भी जाता हूँ मैं समझो पाँच छः छः सेकंड में तो आ, क्या बोलते हैं ट्रेड करके आदमी भाग भी जाता है स्कैल्पिंग में स्कैल्पिंग का काम स्कैल्पिंग बोले तो एक तरीके से मार्केट में चोर बनना पड़ता है घुसे और निकले घुसे और निकले और जो बिग बाल स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है उसमें हमको कितने ट्रेड यहाँ मिलने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ये देखो एक ये ट्रेड मिल रहा है ठीक है ये बिग बार नहीं कंसिडर किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक एक ये क्या है ये ट्रेंड लाइन हमारी आ रही है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है तो यहाँ पर मैंने एक कंडीशन बताई हुई है कि यहाँ पर क्यों नहीं मिल रहा है किस लिए नहीं करना है यहाँ पर ये नो ट्रेड जोन क्यों है नो ट्रेड जोन क्यों है ये मैंने बताया हुआ है और यहाँ पर क्यों ट्रेड लेना है ये आप अगर चीजों को समझोगे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमारा ट्रेड किस लिए क्यों बन रहा है ठीक है यहाँ पर क्यों बना है ट्रेड क्यों क्योंकि यहाँ पर ट्राई हुआ है, फाइट की गई है कि नाइन ई के ऊपर क्लोज करें ठीक है यहाँ पर ट्राई किया कि क्लोज करें नाइन ई के ऊपर बट हुआ नहीं कोई successfully, कोई कोई सक्सेसफुली भी भी ट्रेड यहां पर क्लोज कैंडल यहाँ पर हेल्दी कैंडल क्लोज नहीं हुआ बट इमीडिएटली मार्केट ने यहाँ पर क्या कर दिया घुमा दिया मार्केट ने नीचे नाइन ई के नीचे क्लोजिंग कर दी इट मीनस यहाँ पर कहीं कही ना कहीं बियर जो है वो सक्सेसफुल हो गए इसको नीचे क्लोज करने में एंड ये नाइन ई के डायरेक्ट इस बिग बार का जो इस बिग बार का जो यहाँ पर एक मतलब था यहाँ जाने तक का वो यहाँ पर फेल हो चुका खत्म हो चुका क्योंकि इन इन्होंने यहाँ पे यहाँ पे अपनी बाजी मार ली कहते हैं जिसको थोड़ा सा इन्होंने स्ट्रेंथ पकड़ ली तो यहाँ पर डायरेक्टली हम इस बिग बार पे स्के्प मारने के लिए जा सकते हैं और मैं इस बिग बार पे गया था फर्स्ट स्केल्प अपना वन टू थ्री से फिफ्टीन मिनट का मैक्स होल्डिंग टाइम होता है ठीक है सिर्फ स्केल्पिंग में मैक्स टू मैक्स फिफ्टीन मिनट ही आप ट्रेड होल्ड करते हो ठीक है सिर्फ फिफ्टीन मिनट उससे ज्यादा नहीं मतलब पाँच 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 मिनट की अगर जहाँ से आ तो आप होल्ड भी कर करेगो किसी चीज़ को तो फिफ्टीन मिनट ही होता है है ना और यही चीज अगर मैं सेकंड ट्रेड में देखूँ यहाँ पर बिग बार अब यहाँ पर भी आप कहोगे बिग बार बना है लेकिन यहाँ पर नहीं बनेगा ट्रेड क्यों क्योंकि उसका रीज़न है ये ये रिसेंट सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है रिसेंट एक यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया कि क्या है यहाँ पर ट्रैप है तो ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है और ये कैसे ट्रैप पकड़ना है किस तरीके से ट्रैप पकड़ना है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें अब वो ऑलमोस्ट डेढ़ दो तीन घंटे दो डेढ़ से दो घंटे का कंटेंट है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है बट यहाँ पर मैं अभी आपको खाली ट्रेड कितने मिलने हैं ट्रेड कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं ट्रेड कैसे कैसे मिल रहे हैं वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है एक ट्रेड यहाँ पे अब यहाँ पर क्यों ट्रेड है अगर आप मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे जाके देखोगे मैंने एक बार पहले बताया था यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे हम प्लान करेंगे कि प्राइस इधर आए ये अब जो जोन बना रखा है मैंने रजिस्टेंस

उसके बाद अगर आप नीचे के लिए जा रहे हो क्योंकि यहाँ पर वापस से ऑलरेडी मैंने लाइन ड्रा करी हुई है क्योंकि ये सपोर्ट जोन है प्रीवियस यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट लगा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर कुछ कंडीशन होती है जहाँ पर हमें बिग बार फाइंड नहीं करना जहाँ जहाँ का बिग बार हमारे लिए नहीं होता है वहाँ पर किस टाइप की कैंडल हमने उठानी होती है ठीक है वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो आप जाओ और देख देखभाल एक बार चेक कर लेना चीज़ों को सीखना और आपके पास तीन दिन है जो भी बिग बार स्ट्रेटजी के लिए कह रहा था कि स्कैल्पिंग करनी है बिग बार स्ट्रेटजी बताओ मैं तीन दिन है पूरे चार्ट को ऑब्जर्व करो छान मारो क्यों नहीं बनना है यहाँ पर ट्रेड यहाँ क्यों बनना है ट्रेड यहाँ पर क्यों नहीं करना है ट्रेड ये भी तो बिग बार है यहाँ क्यों ट्रेड है है ना यहाँ पर क्यों ट्रेड है यहाँ पर कोई क्यों यहाँ पर ट्रेड बना है इस जगह पर ठीक है क्यों क्योंकि यहाँ पर अभी डाउन मूव के लिए मार्केट आ रहा था नीचे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया एक नीचे सपोर्ट वाइज बिग बार बनाई उसको हमेशा अवॉर्ड किया जाता है उसके बाद नेक्स्ट जो बिग बार बनी है उसने ये सब के जो नीचे का जो मूव था ऑलमोस्ट ईट कर लिया है अब अगर सिर्फ स्केल्पिंग के साथ साथ अगर आपका अच्छा खासा एक कहते हैं ना अच्छा खासा माइंड सेट है तो अगर आप इस ट्रेड को चाहो तो इतना भी लेके जा सकते हो तो अगर आप के अंदर होल्डिंग कैपेसिटी है बट मैं खाली स्केल पर हूँ तो मैं कभी इतना जाऊंगा नहीं मैं सिर्फ मेरे को मेरे को तीन कैंडल चाहिए बस मेरे को मैक्स टू मैक्स मैक पंद्रह मिनट चाहिए मेरे को दस से पंद्रह परसेंट चाहिए अगर मेरे को ट्रेड अगर उठाना है ट्रेड में स्केल पर हूँ मेरे को चाहिए पाँच परसेंट दस परसेंट पंद्रह परसेंट ठीक है इतना ही चाहिए मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए ठीक है तो यही हमको इस पर अगर हम कर रहे होते हैं अगर हमको स्केल्पिंग करना है तो हमारे पास जो एक वो होता ना है ना ट्रेड करने का जो हमारे पास वो होता है आ, क्या होता है एक टाइम कैलकुलेशन होता है हमारे पास साथ ही साथ एक रिटर्न का एक्सपेक्टेशन जो हम रखते हैं कि ये फाइव परसेंट हमें मिल रहा है बढ़िया है टेन परसेंट मिल रहा है बहुत बढ़िया है पंद्रह मिल गया एक ट्रेड में इनफ है बहुत उससे ज्यादा के लिए मत जाओ और आपको Uh, क्या बोलते हैं इस ट्रेड में कितने कैंडल है इस ट्रेड में घुसने के बाद एक दो तीन कैंडल है बस इधर घुसने के बाद कितने हैं कैंडल है बस है ना और आपका इस वाले ट्रेड में कितने कैंडल इस जगह पे ये वाले में एक दो तीन यहाँ पे भी तीन कैंडल है कोई चेंज कोई इतना बड़ा कुछ उठाया नहीं जा रहा है वहां पे कि यार कोई बड़ी बड़ी आप कैंडल उठाओ तो बड़ा लंबा ट्रेड लग आओ नहीं है भाई अगर आप हाँ ठीक है अगर आपके अब आप लेस कैपिटल से जहाँ पर आप दस लॉट से कर देते हैं वहाँ पर एक लॉट से कर देते तो तब जाके आप इस, इस ट्रेंड को राइड कर सकते हो अच्छा खासा है बढ़िया ट्रेंड है राइड कर सकते हो लेकिन अगर आप आपके आप दस ट्रेड दस लॉट से ट्रेड करने की कैपेसिटी है और आप दस के दस से इसको राइड करने के लिए जाओगे ना तो शायद दस में से शायद होगा दो होंगे जो कर पाएंगे भी जिगरा के आठ नहीं कर पाएंगे समझो है न अगर दस में से हम यहाँ पे Uh, क्या बोलते हैं ट्रेड करने के लिए यहाँ पर बैठाएंगे लोगों को क्या भैया ट्रेड करो इसमें अपना जो पूरी क्वांटिटी मार देते हैं पंच करके डाल दो कोई है कोई नहीं करेगा होल्ड जो जो होल्ड नहीं करता है जिसको फास्ट मोमेंटम चाहिए मोमेंटम जल्दी जल्दी बुक करता है उसको वो अपना स्टाइल uh, क्या बोलते हैं स्केल्पिंग में शिफ्ट कर सकता है क्योंकि स्केल्पिंग में जो होता है आपका स्केल्पिंग में सिंपल सा होता है कि अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो ना प्रॉफिट बुक कर रहे हो पाँच से दस परसेंट का भाई लॉस वहाँ पे ये पंद्रह बीस परसेंट का नहीं होना चाहिए सिंपल सी बात है अगर पंद्रह बीस परसेंट का लॉस ज़्यादा है ठीक है वहाँ पे आप फंस जाओगे बस वहाँ पे, तो पे क्या बोलते हैं स्कैल्पिंग नहीं होगी समझ लो हो। वहाँ पर किसी टाइप की स्कैल्पिंग नहीं होगी तो स्कैल्पिंग गेम सेकेंड्स का है गेम मिनट्स आपका पाँच दस पंद्रह मिनट मैक्स टू मैक्स पंद्रह मिनट का है ठीक है और सेकेंड्स का गेम है और जो भी आप स्कैल्पिंग में करते हो आपको फास्ट एग्जीक्यूशन करना पड़ता है आप ये नहीं कह सकते कि आप ट्रेड ट्रेड करने के लिए बैठे आप एंटर करने के लिए बैठे आपको मोमेंट नहीं मिला आपको एग्जिट करना पड़ेगा समझो एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है आप ऐसे नहीं कि आप भैया मैं पर बोल के आप ट्रेड को तीस तीस मिनट एक एक घंटा होल्ड कर रहे हो ताकि उसमें प्रॉफिट मिले ऐसा नहीं होगा आपको अपने रूल्स के साथ स्टिक रहना पड़ेगा समझो तो इस तरीके के जो बिग बार जो स्कैल्पिंग अगर आप बिग बार पे करते हो तो इस इतने टाइप के आपको इस मिल जाएंगे और थ्री पीएम एम की बात बात ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर कोई ट्रेड बनता नहीं है तो वो थोड़ा सा आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी सीखनी पड़ेगी यहाँ पर क्यों ट्रेड नहीं बना क्योंकि रेजिस्टेंस पर फर्स्ट कैंडल आई हुए नहीं बनेगा ट्रेड ठीक है यहाँ पर अगर यहाँ पर ट्रेड बनेगा ये फर्स्ट आवर का कैंडल है फर्स्ट फर्स्ट फिफ्टीन मिनट की अंदर की कैंडल है बहुत ज़्यादा रिस्की है तो इसको अवॉइड करना होता है बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशनस है बट ट्रेड काफ़ी ज़्यादा है इसमें मिलते हैं अगर आप प्योरली स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो ठीक है स्कैल्पिंग अगर करना चाह रहे हो तो तब मिलते हैं अदरवाइज़ नहीं तो ये था अपना मेन मोटिव क्या आप स्केल्पिंग के अंदर क्या पकड़ना है आपको क्या चीज़ें ढूंढनी है क्या आपकी स्पीड रहनी चाहिए किस तरीके का स्पीड रहना चाहिए मैं तो भाई सेकेंड में निकलता हूँ आपने काफ़ी बार देखा मैं सेकेंड सेकेंड में निकल जाता हूँ है ना और मेरे ऑर्डर जो लगते बास्केट लगते हैं समझे सारे के सारे बास्केट ऑर्डर लगते हैं सेकेंड्स में निकलता हूँ और कभी हो सकता है कभी कर लिया तो क्या बोलते हैं पाँच मिनट या दस मिनट पाँच मिनट या दस मिनट होल्ड कर लिया तो कर लिया अदरवाइज मेरा यही ये, ये मैक्सिमम टाइम गेम सेकंड का होता है और बास्केट ऑर्डर का होता है समझे तो, तो आप अपना स्टाइल कैसे बिल्ड करते हो ये आपका है है ना मेरा अगर मैं आपको कोई चीज़ शेयर करता रहा हूँ तो हाँ मैं मैं स्कैल्पिंग करता हूँ मेरे पास स्कैल्पिंग का है कि मेरे को बिग बार दिखता है तो मेरे को स्कैल्पिंग के वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढने को ढूंढता हूँ मैं जब भी बिग बार दिखता हूँ तो स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ बट हाँ और दूसरी चीज आप ये मत सोचना है ना ये मत सोचो कि अगर ये स्कैल्प मैं यहाँ पर अगर मैंने ये कोई अपने लिए ऑब्जर्वेशन के लिए अगर कोई गेंद बॉक्स लगा तो यहाँ मेरा ट्रेड होगा एग्जैक्टली exactly, यहाँ यहाँ पर ट्रेड हुआ ये चार्ट है ये किसका चार्ट है धन का है यहाँ पर मतलब ट्रेडिंग व्यू खुला हुआ है यहाँ पर चार्ट है ये यह चार्ट यहाँ पर होता है हम ट्रेड करते हैं इसमें हम ट्रेड करते हैं जीरोधा में तो जीरोधा में अगर मैंने सपोज़ किया यहाँ पर मैंने एंट्री की इस जगह पर मैंने यहाँ पर सपोज किया थर्टी पे एंट्री की और यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक थर्टी सिक्स चला गया तो सिंपल सब बात है मेरे को अगर ट्वेंटी परसेंट यहाँ पर अगर मिल गया ना मैं ट्राई करूँगा वहीं पर निकलने की या वहीं पर अपनी कुछ क्वान्टिटी बुक कर लूँगा ठीक है तो में से तक लेके में से तक लेके उस ट्रेड को है ना बट इतना है कि इससे मुझे ये समझ में आता है कि मुझे ऐसे कहाँ देना है अगर कोई कैंटीन यहाँ क्लोज होगी इसके ऊपर आ जाती है कुछ भी हो जाए पर काट के निकलना कुछ भी हो वही हमें हाई प्रोबेबिलिटी पकड़नी होती है कि क्या चीज के चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मैं अगर ये चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये बिग बार के बाद उस डायरेक्शन में चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है मतलब दस में से आठ बार अगर मैं इसको कैप्चर करता हूँ उस बिग बैंग के बाद सेम डायरेक्शन में इस मूवमेंट होता है हमें वही पकड़ना है स्कैल्पिंग के लिए अब आप घुसने के बाद उसमें 2% कर दो 5 करो 10 करो 15 करो 20 करो उसको पूरा का पूरा राइट करो वो सब आपका है ठीक है वो सारा का सारा आपका है तो स्कैल्पिंग के अंदर की साइकोलॉजी स्कैल्पिंग में किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है इस में कैसे ट्रेड फाइंड करने हैं ये आपको समझना पड़ेगा सीखना पड़ेगा और अगर आप हो तो कभी ये ये वाला व्यू नहीं सकते कि मैं डायरेक्शन में के के चार से छह ट्रेड एक दिन में बना देता है तो सब कुछ अलग होता है तो स्केल्पर अगर स्केल्पिंग अगर करनी है तो स्केल्पिंग के लिए की तरह स्टिक रहना पड़ेगा स्केल्पिंग स्केल्पिंग के लिए स्केल्पर बनने के लिए स्केल्पिंग की तरह आपको जो लॉस होते हैं कट करना पड़ेगा अगर नहीं कर सकते हो, तो स्कैल्पर नहीं बन सकते बहुत ठीक है तो अगर आप लॉस अपना क्या बोलते हैं कट नहीं कर सकते वहाँ पर किसी भी टाइप का स्कैल्पर नहीं बन सकते आप एक दो दिन दो परसेंट पाँच परसेंट बुक करोगे लेकिन जिस दिन लॉस होगा वहां पर ट्वेंटी परसेंट उड़ा दोगे आप माइनस ट्वेंटी परसेंट तो स्कैल्पर के लिए माइंड सेट आपका ठीक होना जरूरी है, है ना आपका जो साइकोलॉजी है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपको जो अपने ट्रेड्स प्लान करने हैं वो पता होना जरूरी है और जो आपने एस जो अपना फिक्स किया है वो एस रिस्पेक्ट करना पड़ेगा अगर उस एस को भूल जाओगे ना उस एस को अवॉइड कर जाओ चल आपका कहीं मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के एस आपका कुछ नहीं हो रहा है एसल यहाँ से एंट्री करने के बाद यहाँ बड़े बड़े एस एल दे रहे हो यहाँ यहाँ घुस रहा है होल्ड वगैरह बैठे हो वहां पर स्केल पर नहीं है आपका काम है मूवमेंट कैप्चर करना ठीक है स्पीड पकड़ना और जितने कम टाइम में मिल जाए

आ, किस तरीके से ऑब्जर्वेशन रखनी है आपको छः घंटा अगर आप, आप ट्रेड स्केल पर होना, तो हो ना तो छः घंटा बैठना ही पड़ेगा मार्केट में बॉस आपको अपनी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए अगर आप दो से पाँच मिनट के अंदर ट्रेड में घुस के निकल रहे हो तो छः घंटा बैठ के ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा ठीक है तो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि आप स्केल्पिंग में क्या करना चाह रहे हो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है क्या क्या आपकी क्या बोलते हैं गोल होना चाहिए स्केल्पिंग का आपके टारगेट्स रहने चाहिए है ना और क्या आप कितना मैक्स लॉस पर डे का दे सकते हो कि, कि, कितना आप कैसे आप लॉसेस को मैनेज करते हो कितने आपके ट्रेड्स होंगे किस किस तरीके के आपके फर्स्ट हाफ में कितने ट्रेड हो सकते हैं सेकेंड हाफ में कितने हुँगे? और अगर लॉस हुआ तो कैसे मैनेज करना है प्रॉफिट हुआ तो कैसे मैनेज करना है ये सो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है स्कैल्पिंग के अंदर क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक चीज स्पीड प्ले करता है एक तो आपका स्पीड कहाँ पर आ रही है है ना स्पीड कहाँ पर आ रही है स्पीड कहाँ पर आ रही है स्पीड कहाँ आ रही है कहाँ स्पीड आ सकती है वो 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 स्पेस पकड़ना मार्केट का आपको स्केल्पिंग में यही नहीं पड़ना पकड़ना कि बॉटम पर उठाया या टॉप पर उठाया टॉप पर बेच दिया बॉटम पर उठा लिया बॉटम पर उठाया टॉप पर तो बेच ये स्कैल्पिंग के अंदर नहीं आता है ये ये जो ट्रेड्स को होल्ड करते हैं उनके लिए आप अगर स्केल्प करो तो आपको सिर्फ ये कैप ये ऑब्जर्व करना है मार्केट के अंदर कि स्पीड कहाँ आ रही है स्पीड कहाँ आ रही है स्पीड कहाँ आ सकती है स्पीड कहाँ आ सकती है है ना स्पीड कहाँ पर आ सकती है आपको सिर्फ यही ऑब्जर्व करना है तो स्कैल्पिंग के अंदर आप ट्राई करो कि ऑब्जर्व करो चार्ट को चार्ट को ऑब्जर्व करने के बाद स्पीड और मोमेंटम कहाँ मिल सकता है कहाँ पर रेंज बना रहा है मार्केट कहाँ पर रुका हुआ है कहाँ पर रेंज टाइप की बन रही है या किस साइड ट्रैप कर रहा है मार्केट है ना किस साइड ट्रैप कर रहा है और किस साइड फास्ट मोमेंटम दे सकता है किस साइड ट्रैप कर रहा है तो किस साइड फास्ट मोमेंटम दे सकता है है ना और किस साइड अगर रेंज को ब्रेक कर रहा है तो कहाँ फास्ट मोमेंटम दे सकता है ठीक है वो चीज़ कैप्चर करना है वो फास्ट मोमेंटम के बीच में आपने जाना है और बीच में ही मोमेंटम आया है तो आपका बीच में घुस के उसके एंड मतलब टॉप से पहले पहले निकलने का काम है बीच में घुस के बीच में निकलो ठीक है तो आपको इस तरीके से स्कैल्पिंग में अपने ट्रेड्स बनाने पड़ेंगे इसमें आप दिन में अगर दो ट्रेड मारते हो पांच ट्रेड मारते हो छह ट्रेड मारते हो जितने भी ट्रेड आप कर रहे हो एक दिन के अंदर उन ट्रेड्स को ठीक है उन ट्रेड्स को परफेक्ट जगह पर उठाने की कोशिश करना यानी कि देखिए देखिए मार मार दे एक मार दे एक ऐसा नहीं करना ठीक है।, है तो आना जरूरी है करना चाहता। वरना, में हाई रिस्क है ठीक है स्कैल्पिंग में हाई रिस्क है और यहाँ पर मैं किसी को ये मोटिवेट नहीं कर रहा स्कैल्पिंग करो ये करो ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूँ कल मैं आपको साइकोलॉजी में बात किया था तो आज थोड़ा सा कुछ लोग करते थे चार्ट पर कुछ बताओ चार्ट पर कुछ बताओ तो चार्ट पर मैं आपको अपना एक व्यू बता रहा हूँ मैं किसी को कोई नहीं कह रहा कि ऐसे ट्रेड करो हमने इतना बनाया उतना बनाया वो आपका है हमने मैंने हमने किसने बनाया मैं कैसे काम करता हूँ मेरा क्या पैनल है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिख रहा है क्लाइंट आर के साथ जाके देखना ठीक है और बाकी यहाँ पर किसी टाइप का कोई

बाकी ये था आज चार्ट के अंदर के काफ़ी सारे अपे अपने को ट्रेड्स इसमें आ, 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 फाइंड कर सकते हैं काफ़ी सारे ट्रेड मिलते हैं काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिलता है बस इसमें एक चीज़ है कि आपको जो अपना एसल है ना ये एस फिक्स करने की जगह मिल जाती है कि अपने जब बिग लॉस लेते हैं ना जो तो बिग लॉस आप होते हैं होल्ड कर लेते हो तो, होल्ड कर लेते हो तो, वो वो कट हो जाएगा तो प्रॉफिट बनाओ ना बनाओ भाई वो आपका है वो उससे अपने कोई मतलब नहीं है अगर कि आप कहीं से सीख रहे हो किसी से सीख रहे हो कोई आपका मेंटर है कोई आपको गाइड करने वाला है तो वहाँ पर से ये सीखो कि कैसे मेरे यहाँ से सीख के मेरे लॉसेस मैक्सीम मतलब मिनिमम हो सके प्रॉफिट तो आप कैसे बनाते हो कहाँ बनाते हो वो सब आपका है लॉसेस कैसे है आपके मिनिमाइज हो सके आपको ये ऑब्जर्व करना होता है ये सीखना होता है है ना आप क्या स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो क्या 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 आपका ट्रिक है ये है वो है ये मत पूछा करो किसी से ठीक है कोई बताएगा भी नहीं भाई आपका वो हर किसी का अपना ओन स्टाइल होता है हर किसी से उसका माइंड सेट पूछो वो वो क्या थाट प्रोसेस लेके रखता है किस तरीके कितने वो ट्रेड्स प्लान करता है और अगर अगर उसके बैक टू बैक ऐसे जाते हैं तो कैसे ट्रेड्स को मैनेज करता है आपने वो देखना है ठीक है तो कोशिश करो कि चार्ट पे आपका जो ऑब्जर्वेशन हो अच्छी होनी चाहिए और आपका जो साइकोलॉजी माइंडसेट मैंने आपको कल एक काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी उस पर आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए ना कि स्ट्रेटजी के पीछे या इसके पीछे ये क्या है ये कैसे ट्रिप है कोई कहीं से हमें कुछ मिल जाए सीखने वो ग्रुप जहाँ पर हमें ट्रेड्स दे दे वो दे दे इसके पीछे रहोगे बॉस नुकसान में रहोगे कोई वो नहीं है किसी का कोई नहीं है आपका ही पैसा जाएगा ठीक है तो सीखने पर अगर आप फोकस करोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है लेकिन आप सीखने पर फोकस करने के बजाय सिर्फ इस पर फोकस करोगे कि यार हमें कुछ मिल जाए शॉर्टकट जल्दी बाज जल्दी में वो गलत है तो बिग बात मैं काफ़ी सारे आपको ट्रेड देखने को मिलते हैं और आज का मैंने ये चार्ट दिखाया आपको आज कितने थे और मैंने अराउंड मैंने जो पांच ट्रेड लिए थे पांच में एक अराउंड यहाँ पर मैं जो इस वाले ट्रेड में मैं कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट भागा था इस वाले में जो यहाँ वाला ट्रेड है इसमें बट अदरवाइज इसमें अराउंड फोर्टीन थाउजेंड के लॉस पर कुछ प्रॉफिट ही था बट एग्जीक्यूट एग्जिट करते क्योंकि मार्केट ऑर्डर में भागता हूँ मैं है ना हम तो प्योर गेम मिला था बॉस हम है ना माइंड सेट आप हाँ मेरे से सीख सकते हो ठीक है ट्रेडिंग फेडिंग कहाँ क्या लिया कैसे लिया मेरे को ट्रेड में प्रॉफिट आता हो दिखता है मैं करता हूँ होल्ड नहीं आता हो दिखता है मैं भाग जाता हूँ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता

आप सबकी गलती क्या होती है ना आप ये देखते हो कि भाई हाँ अच्छा स्ट्रेटजी इसमें इतना प्रॉफिट हो रहा है गलत है आप मतलब आप प्रॉफिट के लिए स्ट्रैटी पकड़ ले समझो ये गलती मत करना ये गलती मैं बहुत बार कर चुका हूँ बहुत, बहुत बहुत उड़ा रखा है बॉस तो ये गलती मत करना और दूसरी चीज कुछ लोग यहाँ पर कुछ लिखते थे ये देखो ऑर्डर बुक ऑर्डर हिस्ट्री भाई मैं आप चार्ट समझा रहा हूँ मैं अपने ट्रेड थोड़ा दिखा रहा हूँ मैंने कितना बनाया क्या बनाया वो सब साइड रखो मैं यहाँ पर कोई आपको टेलीग्राम ग्रुप या ग्रुप नहीं बेच रहा हूँ क्या वो ज्वाइन करो जिसको यहाँ पे कुछ चार्ट पर सीखना है साइकोलॉजी से इंटरेक्ट होना है वो रहे टेलीग्राम ये चीजें ही जो वाले जा सकते हैं अपने कोई मतलब नहीं है ना ना आपका कोई पैसा आपने ले रखा है ना आपको क्या बोलते हैं अपन कुछ दे रहा है जो दे सकता है मैं यहाँ पर चार्ट चार्टूँ ठीक है वो ये ग्रुप ज्वाइन कीजिए वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए वाला धंधा नहीं है मेरा ठीक है तो स्ट्रेटजी वाला था कि हाँ क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हो तो मैंने वो शेयर कर लिया जिसको अच्छा लगता है चीज़ें समझ आ रही है स्केल्पिंग करना हो जाए अदरवाइज बिगने रहा तो कोई जरूरत नहीं आपको सीखना जब पड़ेगा सीखा नहीं है टाइम नहीं दिया है स्केल्पिंग से नहीं बनेगा क्लियर बता देता रहा हूँ ठीक है तो मेन चीज होती है अगर आप कोई स्ट्रेटी पकड़ते हो ना वहाँ पर प्रॉफिट मत तो डूट मुझे कितना मिलेगा सर मैंने इतना कमाया ये कमाया वो कमाया ये ये गलत माइंड है आपको इस तरह पता है कि वहाँ पर मैं लॉसेस कितने मैंने मैक्सिमाइज हो पा मतलब लॉसेस कितने मिनिमाइज हो होल कितना छोटा बनना बस जहाँ एसएल छोटा बनना है ट्रेड्स में अच्छे रिटर्न अच्छे मिलना है एस एल के अकॉर्डिंग टू एक्स मतलब एसल आप अगर आप एक रुपये का दे रहे हो तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं दो तीन रुपए का बन जा रहा है जब चल रहा है तो ठीक है लेकिन एसल आपका फिक्स है ना यहाँ पे वही चीज तो पकड़नी है कि आपका जो एस एल है वो फिक्स रहना चाहिए ठीक है, है? एस एल को फिक्स करने की कोशिश करो और वो कैसे करेगा आपकी जिस स्ट्रेटजी पर जिस सेटअप पर आप काम करो उसका एसल आपका होना चाहिए कि मुझे लॉजिकल होना चाहिए यार मैं अगर बिग बार पर काम कर रहा करा मुझे पता है अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर निकल जाएगी मुझे एग्जिट करना पड़ेगा ये मुझे पता है अब दिन भर में बिग बार बिग बार कितनी मिलेगी लेकिन कौन सी बिग बार पकड़नी है कहाँ पर की बिग बार पकड़नी है ये आपको जब आप पूरा देखोगे वीडियो आपको तब समझ में आ जाएगा कि कौन सी पकड़नी क्या क्यों ये नहीं पकड़नी है क्यों यहाँ पर नहीं पकड़ना है क्यों यहाँ पर ट्रेड बिग बार पर उठाना है वो आपको समझ में आ जाएगा तो इसमें मेन चीज़ यही तो मैं बता रहा हूँ कि एस इसमें फिक्स हो जाता है आपका एंड आपको स्ट्रेटजी में ये देखना है कि यार यहाँ पर जो आपका एस है वो कितना बनना है कैसे वो मैनेजेबल हो जा रहा है ये नहीं पकड़ना कि यार इसमें ऑलरेडी इसमें टू एक्स बन गया अच्छा इसमें फाइव एक्स बन गया अच्छा ये चूतिया बनाने वाले गेम नहीं करने ठीक है जहाँ पर आपका एस एल अच्छा बनना है एस एल लॉजिकल बनना है एस आपके फिक्स हो रहे हैं एस कम हो रहे हैं ऐसे ऐसे स्टॉप लॉसेस मैनेजेबल हो रहे हैं है ना आपके क्या बोलते हैं झेलने की क्षमता वाले स्टॉप लॉस हो रहे हैं कि यार आपको ताकि इमोशनली अटैच ना हो इमोशनली हिट ना हो जाओ आप वो चीज़ पकड़ो ये मत पकड़ो कि यार इसमें हमको कितना रिटर्न मिल रहा है अगर तो आप इसमें अपना क्या बोलते हैं मेहनत करोगे अपना टाइम दोगे चीजों को ऑब्जर्व करोगे अपनी वो बढ़ाओगे क्या कहते हैं उसको आ, क्या बोलते हैं अपनी जो प्रॉबलिटी हाई मतलब अच्छे ट्रेड को पिक अच्छे टाइम पर घुसने की अच्छे ट्रेड्स को पिक करने की जो प्रॉबर्टी बढ़ाओगे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी खुद आ जाएगी लेकिन आप अगर ऐसा यहाँ से घूम के प्राइस यहाँ चले गया फिर भी बंदा अगर होल्ड करके बैठा इसका है, वो ट्रेडिंग कर रहा है। वो तो ये, ये आइए ये तो देगी देगी। अरे मैं बना रहा हूं तो मेरे को चीजें मैनेज करनी आती है आपको अगर मैनेज करना नहीं आ तो फिर कैसे काम करोगे दोस्त ठीक है ओके नो साउंड साउंड आ रहा है यार नो साउंड ऐसा मत बोलो ठीक है तो अपन का ये था चार्ट आज का जो मैं काफ़ी कुछ इस पर ट्राई करता था कि आपको कुछ इसमें समझाऊं ठीक है तो ये चीज़ आप ध्यान में दो बाकी जो भी एक बार थोड़ा चैट होगा था आ, मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ पर क्या चैट है चैट देख लेते हैं एक बार भाई एक मिनट पर नहीं दिख रहा भाई एक मिनट पर एक मिनट पर नहीं दिख रहा ऐसे कि नहीं दिख रहा? एक मिनट का चार्ट नहीं है तो फाइव मिनट का चार्ट है ठीक है तो ठीक है ओके यहाँ चैट वगैरह पढ़ लेते हैं एक बार चैट में क्या कह रहे यार बहुत ज्यादा है मेरे को <खँँगे> समझ में नहीं आ रहा किसके जगह इंदर कुमार भाई एक मिनट पर नहीं देखते मैं एक मिनट में नहीं देखता नहीं मैं फाइव मिनट मेरा स्टाइल अलग है यार एक एक मिनट पर कहा एक एक मिनट में क्या समझ आएगा तुम्हें यार एक एक मिनट में दस कैंडिले बन जाती है एक एक मिनट में दस तरीके की के कैंडल बन जाती है अब ऊपर नीचे ऊपर समझ नहीं आता उसमें फंसता है फाइव मिनट में एक कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा आइडिया टाइम फ्रेम कह सकते हो इसको ट्रेडिंग के लिए और मेरे को फाइव मिनट में, में मैंने चीज पकड़ी है तो मेरे को चीज़ें वो समझ में आती है एक मिनट में नहीं आती तो एक मिनट में अगर करते हैं है, हर किसी का अलग ट्रेडिंग स्टाइल है यार आप चाहो तो आ, क्या बोलते हैं जो ट्रेड कर सकते हो वन मिनट में करो फाइव मिनट में करो किसी में भी करो वो आपका अपना स्टाइल है ठीक है बट वो चीज़ें तब आपको आएंगी जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे जब आप चीज़ों को सीखोगे है ना जब आपका उस पर काम किया हो होना चाहिए तभी आ सकता है वो अदरवाइज कैसे आएगा अब जब मैं हूँ मैं तो ऐसी बुरी तरीके से मनवा रखी है मार्केट में कि हमें पता है कि यार हाँ लॉस को काटना क्यों जरूरी है लेकिन आपको वो जो ठोकर जब लगेगी तभी तो चीज़ें समझ आएंगे यहाँ से मैं बोलूंगा भाई ये मत करो ये मत करो ये करो ये मत करो ये मत करो सुनता कौन है ठीक है सुनता कोई नहीं है क्यों क्योंकि जब तक आपको खुद नहीं लगता है ठोकर तब तक आ, फिर वही होता है ना जब तक आपको खुद ठोकर नहीं लेगा तब तक आदमी सीखता नहीं है समझ में नहीं आती उसको चीजें ठीक है तो खुद आ, आ, एक बार एक्सपीरियंस करोगे है ना और वो गलती क्या बोलते हैं ना कभी हो और आपसे वो बड़ी गलतियाँ होती है तो एक बार उसको नोट लिखा जरूर कराओ कि यार मैंने ये किया था गलत तो इससे मुझे ये हुआ अगली बार जब आप दोबारा रिपीट करने जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ पहले भी मैंने ये किया था पहले भी मैं ओवरनाइट पोजीशन लेके गया था फिर ऐसा हो गया पहले ही मुझे मार्केट बुलिश दिख रहा था ओवरनाइट लेके चलेगा ये सोच के ऊपर खुलेगा और नीचे खुला था और आज भी हो सकता है इससे अच्छा रुक जाता हूँ ठीक है क्रिप्टो वर्ल्ड क्रिप्टो से ऑप्शन में ट्रेड में आया इंस्पायर्ड बाई अरे थैंक्स अ लॉड भाई क्या बात है ऐसा करो बाकी ये हमारे फिफ्टी के सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो अपना जो गिव अवे है रेडी है तो इसको देने के लिए हम इस कल कल छुट्टी है परसों छुट्टी है नर्सों छुट्टी है तो जो भी स्ट्रेटजी देखा है जिस जिसने तो काम करें ठीक है उसमें देखें चीज़ों को ऑब्जर्व करें पूरा चार्ट आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा तभी आपको कहीं ना कहीं चीज़ें समझ आएंगी ओके और तीन दिन का हॉलीडे है हमारे पास तो ये ट्रेड जो भी रहा आपका जैसा भी रहा है ना और बाकी मेरे को फोन आया था किसी का अराउंड कुछ कैपिटल उन्होंने उड़ा दिया था डेढ़ लाख का था एक लाख तो आज ही उड़ा दिया भाई ऑलमोस्ट ये हो तो, सिक्सटी सेवेंटी परसेंट कैपिटल एक दिन में उड़ जा रहा है तो यार क्या कैसे होगा यार सिक्सटी सेवेंटी परसेंट मतलब उड़ जा रहा है इसका मतलब वो इस उम्मीद में ट्रेड करे की सिक्सटी सेवेंटी परसेंट रिटर्न मिलेगा कहाँ मिलता है यार किस जगह में मिल जाता है एक दिन मिल गया गलती से मिल गया लेकिन आपको तो रोज ट्रेड करना है रोज जो 60 -70 का रिटर्न की सोच सोच आप बना के के आओगे आओगे या रिटर्न बनाने की तो फिर वहां पे वो ट्रेडिंग थोड़ा रहेगी फिर वो तो खाली आप मेरी तरह गैमलिंग करोगे जुआरी बन जाओगे मेरी तरह ठीक है सो <laughs> तो ऐसा मत करो यार इतना बड़ा बड़ा कैपिटल मत उड़ाओ और जो अपने फिफ्टी के सब्सक्राइबर हो चुके हैं कम्प्लीट काफी अच्छा काफी सही था मज़ेदार था और बाकी कमेंट किस किस के आए हैं लॉस लॉस ऑफ एटीन लाख, आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं कांटेक्ट, आप व्हाट्सएप कर सकते हो आप और क्या है काफ़ी सारे कांटेक्ट ऑप्शन है मेरे मेरा नंबर भी यहाँ एक पब्लिक नंबर घूम रहा है बसते रहता।, तो रहता है सुबह शाम तक उठ गया तो उठ गया नहीं उठा तो कभी बिजी हुए वो बसते रहता है बॉस ठीक है तो आप जाके जो स्ट्रेटजी अपनी है देखिए कहीं ना कि उस आपके ट्रेडिंग स्कैल्पिंग में कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है और फिक्स करने में हेल्प कर सकता है प्रॉफिट तो आप बनाओ ना बनाओ आपका है बॉस वो आपकी ऑब्जर्वेशन है आपकी डिसिप्लिन है लेकिन एसल लॉसेस को फिक्स करने में हेल्प कर स्कैल्पिंग में बहुत लॉस होते हैं ठीक है और बाकी आ, भाई स्कैल्प के लिए सबसे बेस्ट कौन सा टाइम फ्रेम है नहीं मेरे लिए तो फाइव मिनट है बट आप किस टाइम फ्रेम में करते हो किस टाइम कौन सा टाइम फ्रेम आपको सूटेबल होता है वो आप पर डिपेंड करता है ठीक है वो वाला टाइम फ्रेम वो आप पर डिपेंड करता है इसलिए तो है कि अगर आ, दूसरे की मिस्टेक्स तो आप सीखोगे ठीक है लेकिन आपको खुद मेहनत तो करना पड़ेगा खुद घिसना तो पड़ेगा कंग्रेचुलेसन भाई फिफ्टी के कम्प्लीट हाँ यार फिफ्टी के कम्प्लीट हो गए बहुत बढ़िया इंस्टाग्राम पर भी जाओ वहाँ पर भी तो हम ले जाए हम फिर मेरे नाम पर वो चल रहे हैं बहुत सारे फेक अकाउंट ट्रैप वो क्या होते हैं लोगों को ट्रैप किया जा रहा है ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट होगा तो मैं चाह रहा उसको कहीं ना कहीं वेरीफाई करवाया जाए ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ये यह ओरिजिनल अकाउंट है इस पर परनी करनी जो बात करनी है और किसी पर नहीं करनी है तो अब इंस्टाग्राम मेरा है स्टॉक बनना ऑफिशियल वहीं पे थे वहीं पैसे ही मैं स्टार्ट हुआ हूँ यूट्यूब पर तो अभी आया हूँ वहाँ की जनता काफ़ी सारी यूट्यूब पर आई मेरी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का थैंक्स अ लॉट गाइज है ना और मेरे व्लॉग्स आप देख ही रहोगे डेली दे, हम ट्रेड करते रहते है हैं आज तो आज आज इंस्टाग्राम पे किसी ने आ, एक सुबह सुबह एक वो बनाया था मीम बनाया था है ना तो पापा ने देख दिया <laughs> तो कल ब्लॉग में देखना पापा का रिएक्शन <laughs> क्या बोल रहे <ले> थे ठीक <laughs> है तो न, ब्रोकर कौन सा अच्छा है ब्रोकर धन ऐप यूज कर लो और जीरोधा यूज कर लो ठीक है चार्ट वगैरह जितना है मैं आपको सब कुछ धन पे ही दिखाया था

हाउ हाउ टू डिसाइड ट्रेडिंग क्वान्टिटी ट्रेडिंग क्वान्टिटी उतनी ही रखो जिसमें आप अगर एसल अगर आप टेन ट्वेंटी ऑप्शन के अंदर टेन ट्वेंटी परसेंट का एसल लगाते हो तो एसल अगर आपका हिट होता है तो मैनेज करने लायक हो वो झेलने लायक हो उतनी ही ट्रेडिंग क्वांटिटी रखना बॉस है ना अगर आप क्या होते हैं हजार आप एक के पास एक लाख का कैपिटल है और आप हज़ार दो हज़ार तक का ही लॉस देख पाते हो तो भाई टेन थाउजेंड से ही माना ट्रेड उसमें आप क्या क्वान्टिटी उठाते हो कैसे उठाते हो वो आपका है क्योंकि मैं ना क्वान्टिटी पर ट्रेड करता हूँ ना मैं पॉइंट्स पर ट्रेड करता हूँ मैं कैपिटल डिप्लॉयड प्रीमियम प्राइस और उस प्रीमियम पर कितना परसेंटेज मैं उठा चुका हूँ या कितना परसेंट मेरा प्रीमियम का ज़्यादा है उस पर मेरा ट्रेड होता है ठीक है उस पर ही मेरी स्कैल्पिंग होती है मैं पॉइंट्स पर के पीछे नहीं भागता और तो न ही मैं ये क्वांटिटी देखता हूँ अगर मैं दस रुपये की प्रीमियम मेरे को पाँच लाख से उठाना है माल अब प्रीमियम दस रुपये का है सौ रुपये का क्वांटिटी दोनों की अलग अलग हो जाएगी ना समझे तो क्वान्टिटी यहाँ एट्री नहीं करती मिल ले तो ठीक है तो क्वांटिटी अपने लिए वहाँ पर मैटर नहीं करते तो मुझे क्वांटिटी की चीज़ें समझ नहीं आती है और क्वांटिटी वाले टर्म्स ये चीज़ें मुझे समझ में भी नहीं आती कि कैसे क्वान्टिटी पर काम करते हो और कैसे पॉइंट्स ऑप्शन के प्रीमियम तीस का चालीस लोग कहते हैं दस ही पॉइंट गया है अगर दस पॉइंट कहाँ गया वो तो तीस परसेंट चला गया है ना वही सेम चीज़ अगर क्वांटिटी अब मैं दस रुपये से दस रुपये के प्रीमियम पर उठा रहा हूँ और दूसरा मैं हज़ार सौ रुपये के प्रीमियम पर उठा रहा हूँ कैपिटल मेरे पाँच ही लाख डालना है तो दोनों की क्वांटिटी अलग अलग हो जाएगी है ना तो वहाँ पर क्वांटिटी क्या मेन चीज़ है पैसा कितना लग रहा है वो दिमाग में होना चाहिए कितना ज़्यादा है कितना ओल्ड है इस प्रीमियम का वो आपको पता होना चाहिए ठीक है और कोई बिजली भेज रहा है लाइव ट्रेडिंग करो नहीं यार लाइव ट्रेडिंग मैं कैसे कर पाऊँगा बताओ मैं खुद ट्रेड नहीं करूँगा क्या करो मैं लाइव ट्रेडिंग करा करने लग गया तो मैं खुद ट्रेड कैसे करूँगा ये बताओ यार मेरे पास ऐसा सिस्टम तो है ही नहीं कि एक ट्रे एक अकाउंट में करता रहा हूँ एक अकाउंट में नहीं करता हूँ इसमें कभी करता रहा हूँ कभी इसमें प्रॉफिट दिखाया कभी से। मेरा एक ही अकाउंट है और उस क्लाइंट की पूरी आई डी ही पूरा सोकेज कर रखा मेरे तो को पता ही नहीं था इतना पूरा दिखा देंगे <laughs> तो क्लाइंट की पूरी आई डी दिख रही है मेरा वही दिखता है हमेशा सेम ही आईडी उसी में मैं करते रहता तो। हूँ ठीक है लाइव ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकते यार मैं लाइव ट्रेडिंग मतलब कि मैं आप मैं आपको बैठाऊँगा फिर कहूँगा मैं दूंगा ट्रेड मेरे से कमाओगे तुम मैं मैं दूंगा तब आपका वहाँ ऐसा होता है क्या कहीं यार कितना वहाँ लोगे यार मैं स्कैल्पिंग करके सेकंड में निकल जाऊंगा मैं जब तक निकल जाऊंगा तब आपके पास ट्रेड जाएगा और जब आप घुसोगे तब वो एग्जिट तब उसमें लॉस हो जाएगा तो नहीं ऐसा नहीं होता है ठीक है बाकी हाँ बिग बात बिग बात मैंने दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और मेरे ऐप के अंदर डाउनलोड कर लो और जो बिगनर हैं जो बेसिक बिगनर लोग हैं और उन्हें पता है एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है स्टॉक मार्केट के लिए कि कैसे कैसे चीज़ें समझनी है मैं उस पर वीडियोज़ आपके लिए ला रहा हूँ मेरे आपका ऐप अगर मेरा ऐप अगर आपके पास है तो उसमें वो वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं डालूंगा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ठीक है बट बाकी साइकोलॉजी माइंडसेट वाली मेरी लाइव क्लासेस चलती रहेंगी आप धीरे आगे को तो आप उसमें आ सकते हैं ताकि मैं आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट uh, सेट में देंगे भाई गिव अवे गिव अवे कर रहे हैं प्लान फिफ्टी के हो गए है ना यूट्यूब फिफ्टी के हो गए हमारा लैपटॉप ले है तो आपके इंतजार कर रहा है भाई ये इसको करेंगे हम बट इसके लिए एक तरीका जाएगा ना कि यार एक लैपटॉप किसी नीडी को हो जाए जरूरतमंद इंसान को जाए जो थोड़ा और मेरे को आ, क्या बोलते हो वो देखता हो मेरी उसको चीज़ें पता हो कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ क्या मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है और क्या मैं मेन फोकस करता हूँ क्या हमारा भैया ब्लॉग रात को एडिट करके सुबह ही डाल दो आठ बजे प्लीज आठ बजे आठ बजे मैं तो दस बजे डालता हूँ आठ बजे का कोई क्यों है मतलब आठ बजे कुछ स्पेसिफिक टाइम ऐसा रीज़न आठ बजे का सुना मैंने आपकी बात सुनी इमोशनल कंट्रोल भाई इमोशनल कंट्रोल भाई हाँ इमोशनल कंट्रोल तो यार मेन वही तो है मेन ट्रेडिंग चार्ट थोड़ा होती है चार्ट पर तो आपको बस स्ट्रेट कहाँ लेना है कहाँ एग्जिट एंट्री और एग्जिट बता रहा है चार्ट लेकिन एंट्री से एग्जिट करने के बीच का जो डिसीजन है वो कौन ले रहा है आपका दिमाग ले रहा है आप ले रहे हो आपके डिसीजन से आपकी उंगली चल रही है कुछ पकड़ के करवा नहीं रहा है ठीक है तो एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा होते हैं बीस प्लस हाउ टू मैनेज दैट एग्जीक्यूशन या ऑर्डर एग्जीक्यूशन में मेरे अगर ऑर्डर देखोगे ना अगर मेरे पचास साठ ऑर्डर होंगे तो मेरे कहीं ना कहीं तीन सौ ऑर्डर रहते हैं तीन सौ ऑर्डर में कंप्लीट ऑर्डर फिफ्टी सिक्सटी रहेगा बाकी सारे कैंसिल क्योंकि मैं बहुत बार ट्रेड्स के लिए पंचअप करता हूँ बट मुझे नहीं दिखता है यहाँ पर मोमेंटम आ सकता है या मेरे को प्रॉफिट देगा मैं एग्जिट उसको कैंसिल कर देता हूँ बाकी वैसे एग्जीक्यूशन जो आपके ओवर ट्रेड हो रहा है या बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आपके लग रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो आप क्या बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग प्लान मतलब ओवर ट्रेडिंग हो जाती है आपसे जब बैक टू बैक आप आ, 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 आपके क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट ऊपर नीचे या तो आपका कोई ट्रेडिंग परफेक्ट एक पर्टिकुलर सेटअप नहीं है है ना ठीक है या तो आपका कोई पर्टिकुलर आ, क्या बोलते हैं सेटअप नहीं है आपके पास ठीक है तो या तो पर्टिकुलर सेटअप होगा तो आपको पता होगा कि कितने ट्रेड्स लेने हैं कहाँ कहाँ पर ट्रेड लेने किस पर्टिकुलर टाइम में ट्रेड लेने वो आपको पता होगा अगर आपके पास कोई सेटअप है अगर आप सेटअप नहीं तो रैंडमली उठा रहे तो भैया रैंडमली उठाओगे तो, तो ट्रेड्स बहुत ज्यादा होंगे होंगे ठीक है बाकी और बताइए और किस क्या है क्वेश्चन वगैरह कुछ है के साथ देखने में मजा मजा आता है इसलिए आठ बजे अरे तो ठीक है आठ बजे भी कर सकते हैं हम कोई दिक्कत नहीं है आठ बजे हाँ आठ बजे लोग ब्रेकफास्ट करते हैं तो उस वक्त डाल देंगे तो ठीक है तो दो घंटा और बढ़ जाएगा उसके है ना आ, मैं कितना कैपिटल और किसी क्वेश्चन स्टॉक मार्केट में ट्रेड स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो हाँ जी हाँ जी ट्रेड ही करते हैं दिनेश जी कैपिटल कितने से स्टार्ट करें क्या स्टार्टिंग में जितना कैपिटल लाओगे सब जाएगा पहली चीज जितना लाओगे अब कितना ला सकते हो आप बताओ कितना डुबाने के लिए तैयार हो तो वो आप प्री डिसाइड करके आना कि मैं इतना कैपिटल और वो एक बार नहीं जाएगा जितना लाओगे सब जाएगा एक बार नहीं जाएगा वो वो एक दो तीन चार पाँच बार जाएगा जब तक आप सीखोगे नहीं वो वो ब्लो होता रहेगा तो आप कोई कैपिटल डिसाइड करना पड़ेगा मैं इतना ला रहा हूँ मैं इतना पूरा का पूरा मार्केट के लिए मैं देने के लिए तैयार हूँ बट मुझे सीखना है इससे और उसी कैपिटल से आपको सीखना पड़ेगा आप उस कैपिटल को आप कितनी बार वाइप आउट कर सकते हो है ना या उस कैपिटल एक ही बार वाइप आउट करना है या उस कैपिटल को आपने तीन चार बार वाइप आउट करना है वाइप आउट तो होगा पैसा तो भाई जाएगा मार्केट में बाहर ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं जाएगा पैसा तो उड़ेगा ही उड़ेगा और क्या है फौजी कौन से एप्लीकेशन से ट्रेड करना चाहिए आपकी राय में मेरे मेरे राय में यार ट्रेड वगैरह करने के लिए धन यूज कर सकते हो जीरोधन यूज कर सकते हो इंटरफेस बहुत अच्छा है धन का काफ़ी कुछ आपको मिल जाता है उसमें ठीक है बाकी वैसा नॉर्मल सा कूल सा चीज़ें दिखने वाला चाहिए जिसको मैक्सीम लोग लोग यूज़ करते हैं वो जीरो है ठीक है बाकी अगर फीचर वाइज बहुत अच्छा चाहिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिख जाए चार्ट वाट पूरा क्लियरली दिख जाए ट्रेड भी उसी चार्ट में आपको करने का हो जाए तो आप धन कर सकते हो ठीक है बाकी और का बाकी आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं आपको अगर जो डीमेट जिसका ठीक लगता है आप उसमें से अकाउंट खोल के अपना ट्रेड कर सकते हो ठीक है बाकी जो भी कर रहा है मेरे मेरे जो फौल्वर, फौल्वर आप लोग हो हो है ना कर वो वाली में में मेरा नाम भी तो जाएगा कि यहाँ स्टॉक के रिफ्रेंस से बंदे आए हैं अच्छा है और कुछ कमीशन स्टॉक इस को भी दो मिनिम <laughs> थ्री थर्टी मिनट का ब्लॉक कर दो ऊपर से ऑर्डर आया है

भाई जी लास्ट टू मंथ से लॉस कंट्रोल किया आज दो लाख उल्ड गया ओ हो हो अरे यार वो थोड़ा सा इमोशन आ गया आपके अंदर होता है ये चीजें होती हैं इसको माइंड में मत लेना आप कोई बात नहीं उड़ गया आपका ठीक है उड़ गया ना वापस तो आएगा नहीं इसको सोच के क्या होगा मिस्टेक क्या कर दी आपने वो गलती पकड़ लो और पेशेंस रखना पड़ेगा ट्रेडिंग में मिस्टेक क्या कर दी उसको अगर आपको समझ में आया क्या गलती कर दी आपने जो प्रोसेस आपको वापस से जो आप दो महीने से कंट्रोल करके बैठे थे उसको ही सेम चीज़ रिपीट वही चीज़ रिपीट करते हुए ना ये बस ये रिपीट मर कर देना जो आज हुआ है आपसे आज आई थिंक आपका दो लाख हो है तो आपने होप ट्रेड किया मैं पहले ही बता रहा मार्केट ऊपर को ज्यादा होगा सेकंड हाफ में आपने सोचा कि अब ये गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा आपने पैटर्न नहीं पकड़ा आपने कैंडल की स्ट्रेंथ नहीं पकड़ी ठीक है इसका मतलब वहां पे आपसे कहीं ना कहीं गलती हुई है तो मेजर लॉस वहीं होते हैं जब आप मार्केट कहीं और ज्यादा होता है आप कहीं उसके अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड लेके बैठे होते हो और ये सोचते हो कि अब आएगा अब आएगा वो नहीं आता है बॉस यू आर मोस्ट वैल्यूबल स्टाइप वैल्यूबल एडवाइस मेरी मोस्ट वैल्यूबल एडवाइस सिंपल सा है यार <laughs> कि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है अगर आप स्टार्टिंग में उड़ाने के लिए आ रहे हो तो ट्रेड करो अगर आपके अंदर उड़ाने का जिगरा है दम है तो ट्रेड करो तो आप ट्रेड में बनाना भी आ जाओगे लेकिन अगर अंदर आपके अंदर उड़ाने की हिम्मत नहीं है तो फिर आ, ट्रेडिंग में पैसा उड़ाने से अगर आप खुश नहीं हो तो फिर वो बनने में दिक्कत आ जाएगी तो यही है कि यार पैसा उड़ाने के लिए खुश हो तो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो नहीं हो नहीं देना चाह रहे हो नहीं घुसाना चाह रहे हो तो मत करना ठीक है फिफ्टी के सब्सक्राइबर अरे थैंक्स अलॉड भाई थैंक यू सो मच एवरी और इसको फिफ्टी वन फिफ्टी टू हंड्रेड के भी लेके जाएंगे हंड्रेड के के बाद अपन लोग आपके लिए जो मीटअप वगैरह रखा जाएगा ठीक है और मेरा बेस्ट लोकेशन है हल्द्वानी और मेरे पास लोकल के काफ़ लोग काफ़ी ज़्यादा लोग हैं ये तो पहाड़ एरिया में आ जाओगे कभी आओगे सोचेंगे मिलने का कुछ प्लान करेंगे ठीक है बाकी कितना पॉइंट बुक का ओ लेते हो कितने पॉइंट दूध का मैं फिफ्टी पॉइंट का फिफ्टी पॉइंट अब जाता हूँ मैक्सिमम फिफ्टी पॉइंट क्योंकि आ जाता है फ्लक्चुएशन आएगा और फिफ्टी पॉइंट अपना आ ही जाएगा ज़्यादा बाहर जाने में रिस्क हो जाता है ज़्यादा बाहर में आता है प्रीमियम बहुत जल्दी गिरता भी है है ना ठीक है तो हम फिफ्टी पॉइंट टूर का ही लेता हूँ उससे ज़्यादा नहीं और कभी कभी ऐट द मनी पर भी पकड़ लेता हूँ जब मेरे को थोड़ा सा थर्सडे फ्राइडे ये फ्राइडे वाला दिन होता है तो मैं ट्राई करता हूँ एट द मनी आउट ऑफ द मनी में थोड़ा उस दिन फंस जाते हैं यार मैं बहुत बार फंसाऊँ फ्राइडे के दिन बहुत तो अच्छा हो कल हमारी छिन्न कल फ्राइडे बन रहे सही हो गया तीन दिन मजे करो अब ठीक है बाकी सभी के सभी तो स्ट्रेटी वग़ैरह आउट है और ये संडे तक आई थिंक उसका कुछ है टाइम वगैरह ड्यूरेशन सेट है संडे तक का कुछ है उसमें और आप जाके चेकआउट कर सकते हैं ठीक है बाकी मंडे से आप मेरे को जो ग्रुप है अपना वहाँ पर जो स्ट्रेटजी वाले बंदे हैं टेलीग्राम अपना एक ग्रुप है वहाँ पर एड ऑन है हुए होंगे सारे बंदे उसमें हमने कुछ ऑटोमेशन रखा था जो नहीं हुए हैं वो तो उसके लिए हम ऐप के थ्रू कुछ आपको करवा देंगे ताकि मेरे को अगर उस पर कोई ट्रेड वगैरह दिख रहा है या वहाँ पर कोई ट्रेड बना कोई चीज़ होती है मुझे बतानी है तो मैं वहाँ पर आपको डिलीवर कर दूँगा ठीक है चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा बाकी मेरे से कॉल टिप ये सब चीज़ों के लिए बिल्कुल एक्सेप्ट एक्सपेक्टेशन ना रखे दोस्त वो सब नहीं देता मैं ना पाए तब से कोई ऐसी सर्विस है ना मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे साथ ट्रेड करो ना मैं ये कह रहा हूँ कि स्ट्रेटी से ऐसा पैसा बन जाएगा मैंने वो चीज़ शेयर की है जिस पर मैं काम करता हूँ वो आपका पर्सनल चॉइस है आपको अगर उस पर करना है नहीं करना है सारा आपका चॉइस है बॉस आई डोंट रिकमेंड और ना मैं कहता भी नहीं ना मैं इस चीज़ को कभी सपोर्ट करता हूँ कि हम आपको करवाएंगे ना हमसे होगा मैं सिर्फ इतना हेल्प कर सकता हूँ मेरा जो साइकोलॉजी माइंड है वो आपको डिलीवर करूँ आपको कहीं ना कहीं लॉसेस कैसे काटना है उसमें हेल्प करूँ वो चीज़ आपको उस उस लायक बनाना पड़े बनाने में हेल्प करूँ कि यार मैंने जो अपने अंदर इम्प्लीमेंट लाया तो वो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर भी आए वो कहीं ना कहीं उससे कुछ आप सीख जाओ बस बाकी और कुछ नहीं है बाकी अपना तो चल ही रहा है ट्रेडिंग से कर ही रहे हैं बाकी यूट्यूब YouTube चल रहा है ये भी ठीक है बाकी आपको मिलेंगे हम कभी मैं मिलूँगा ही मिलूँगा कहीं अगर हम कहीं पर वो कराएंगे ना मीटअप टाइप का ऐसा कुछ रखेंगे ठीक है वो करेंगे और हंड्रेड के जब अपना होता है हंड्रेड के तो हंड्रेड के पे ऐसा कुछ एक मीटर रखूँगा मैं हल्द्वानी भी हमारे पास पास नियरेस्ट लोकेशन हल्द्वानी है डिसाइड कर लेंगे हल्द्वानी दिल्ली में से तो वो जो पूरा मीटअप होगा रखा जाएगा और ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा आओ ये 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 कूपन कोड लो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा कुछ नहीं है वो एक नॉर्मल जो एक मीटअप होता है वो रखा जाएंगे क्योंकि आप सभी ट्रेडर मैं भी रिटेल ट्रेडर अपन में कोई इतना बड़े नहीं है है ना और सभी यहाँ पे ऑलमोस्ट जो भी हैं जितने भी देख रहे हैं ऑलमोस्ट मेरे जैसे होंगे आप मतलब मेरे से भी आपका तो ठीक है लेवल लेकिन अपन तो ऐसे ही है बेघर लोग ठीक तो है तो रखेंगे प्लान करते हैं हंड्रेड के सेलिब्रेशन वहाँ पर होगा फिफ्टी के पर मेरा गिव अवे का प्लान है तो ये गिव अवे हम अब एक तीन दिन अप, हमको मेरे को दो अपनी दिन में मैं आपको आ, क्या बोलते हैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को कैसे कैसे इसको प्लान करना है वो देंगे बाकी इंस्टाग्राम पे आप जाके फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम का अपना आईडी है स्टॉक बर्नर आ, अंडर स्कॉल ना स्टॉक बर्नर बर्नर अंडर स्कॉल वो ऑफिशियल करके है एक ही आईडी है उसमें अराउंड एट्टी के प्लस फॉलोअर्स हैं आप जाके फॉलो कर दीजिए ठीक है बाकी ट्विटर पर मैं अभी हूँ नहीं मतलब ट्विटर पर हूँ मैं आई उतना मैं ट्विटर पर अभी गया नहीं देखा नहीं कभी उसमें क्या क्या होता है वो भी देखेंगे ठीक है तो फिर बाकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है करेंगे इसमें अब अब मैं रखूँगा ना जैसे वीक में एक बार एक एक टॉपिक रख लूँगा कि क्या टॉपिक रहेगा ताकि आप भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी और माइंडसेट सेट पर चीज़ें सीख सको मेरे से चार चूट पे ज्यादा नहीं सिखाऊंगा कि कैसे बनाना है क्या करना है कहाँ लेना है एंट्री एग्जिट ये नहीं आपका यही मेन चीज़ है तो सबसे इम्पोर्टेंट ही यही है तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको डिलीवर कर पाऊँ आप साइकोलॉजी कैसे कही कहीं ना कहीं मेरे से आपको हेल्प मिल पाए तो मैं ट्राई करूँगा तो ऐसे वीक वीक के अंदर एक बार मैं यूट्यूब पर एक या दो बार लाइव करूँगा और उस दिन हम मैं पहले से नोटिफिकेशन डाल दूँगा ठीक है तो उसमें दो टॉपिक मैं रखूँगा दो में से जो आप सेलेक्ट करोगे हम उस पर बात करेंगे बाकी कोई फालतू बात नहीं कि ये यह स्ट्रेटजी ये वो अट्रम सेटरम वो सारे कुछ आपको चार्ट बताएगा वो मार्केट ठोकरें लगेंगी जब मार्केट में तब सी जाओगे बट ये चीज़ स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है ठीक है तो फिर चलो आपको मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में काफ़ी अच्छा बाकी जो जो स्ट्रेटजी के लिए हैं वो आप जाके स्ट्रेटी चेकआउट कर लीजिए देखिए और सीखिए उसको तीन दिन है काफ़ी कुछ ऑब्जर्व करने को मिलेगा और मंडे से स्टेप बाय स्टेप स्लो एंड स्टडी काम करना स्टार्ट कीजिए ठीक है आई होप कहीं ना कहीं उससे आपको ट्रेडिंग में हेल्प स्किल में आपका थोड़ा कहीं कही कही ना कहीं इन्हेंस हो सकता है कहीं कही ना कहीं थोड़ा हेल्प हो सकता है ठीक है टिल देन मिलते हैं आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में या और मेरा कल ब्लॉग जो अपलोड हो जाएगा वो तो आप देखना ही देखना ठीक है ब्लॉग देखा करो ब्लॉग में कमेंट करो ब्लॉग व्लॉग शेयर कर दिया करो डेली करता हूँ मैं वॉस डेली एक दिन मिस नहीं होगा चाहे वो वीकेंड हो अब तीन दिन है तीन दिन में तो निकालने में ना आप लोगों के भाई तीन दिन में आप ट्रेडर हो आप क्या देखोगे वॉल दिमाग ट्रेडिंग पे रहता है तो किसी एक हमे जैसे ट्रेडर को ही देख लो तीन दिन ज्ञान ज्ञानवयान नहीं ज़्यादा ज्ञान ज्ञानवयान वाले नहीं ये चार्ट ये चार दिन भर चार्ट ही तो देखते हो यार मैं हफ्ते भर पाँच के पाँच दिन चार्ट ही देखते हो दिन में तो कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड बात होनी चाहिए उसमें बट और हाँ तो मैं अभी जैसे इस वीकेंड में जा रहा हूँ अपन कहीं पे तो वहाँ पे अपने पास एक ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने एटीन थाउजेंड पर बिटकॉर्न उठा के पैंतालीस लाख पे बेचा है ठीक है तो उनका क्या माइंड सेट रहता है बारह बारह सौ पॉइंट बैंक निफ्टी में लेके चलते हों बारह बारह सौ पॉइंट कैप्चर करते हैं तो उन उनसे बात की जाएगी ठीक है तो उनसे क्या आपको सीखने को मिला क्या वो उनकी थॉट प्रोसेस है किस तरीके का विजन रखते हैं वो आपको आ, क्या बोलते हैं शायद सीखने को मिल जाए वो मैं आप, आप तक डिलीवर करने की कोशिश करूँगा अपने ब्लॉग के थ्रू पॉडकास्ट वाला नहीं नॉर्मल कन्वर्जेशन होगा मतलब नॉर्मल बातचीत होगी ठीक है तो फिर मिलते हैं आपको तब तक नए नए नेक्स्ट जो अपना लाइव सेशन होगा जितने उस दिन मिलेंगे ठीक है तो आप मेरे ब्लॉग्स देखते रहो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और गिव अवे का मैं प्लान करूँगा गिव अवे है तो है देंगे तो देंगे ऐसा मत सोचना कि मिस करेगा स्टॉक बनना जो बोलता है मिस नहीं करते हैं दोस्त अपन अपन फोन से आए हो हैं हमारे मार्केट में पैसा गया अपने ने निकाला भी ना तो यार तो नॉर्मल सा साइक गिव अवे का लैपटॉप ही है बट हाँ इसके लिए कुछ एक कुछ सर्टेन क्राइटेरिया रखेंगे ताकि हर किसी को सेटिस्फैक्शन से कि हाँ ये बंदे राइट पर्सन को गए ऐसे नहीं कि उठा के ऐसे ही दे दिया ऐसा नहीं होगा ठीक है तो ज़रूरतमंद को दिया जाएगा तो फिर ठीक है बाय बाय सी यू और वीकेंड इन्जॉय करो मेरे ब्लॉग्स देखो ठीक है चलो फिर बाय बाय सी यू जय हिंद